दोस्तों तो स्वागत है हमारे पॉलिटेक्निक सॉल्यूशन चैनल में। आज हम लोग जानेंगे बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में। तो ये बिल्डिंग मटेरियल होता क्या है? बिल्डिंग मटेरियल एक ऐसा चीज है, मतलब ये ऐसा फंडा है इससे हम लोग कोई जो भी चीज हम लोग बिल्डिंग बनाने में यूज करते हैं या जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसमें यूज होने वाले जितने मटेरियल्स हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यही बिल्डिंग मटेरियल्स हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक जो कि हम लोग का सिलेबस में फर्स्ट है, रॉक यानी पत्थर। अगर आप लोगों को सिलेबस चाहिए तो आप लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जाकर उसे क्लिक कीजिएगा और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा और वहां से आप लोगों को इसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, यानी सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग आज लोग रॉक के बारे में देखेंगे। रॉक का निर्माण कैसे होता है? रॉक का निर्माण ऐसे होता है कि पहले इसमें एक साइकिल चलता है, जो कि ये देखिए हम आप लोगों को दिखा रहे हैं साइकिल जो है। पहले इसमें वेदरिंग होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर उसके बाद डिपोजिशन के बाद अपवेल के बाद रॉक का निर्माण हो जाता है। यानी जो साइकिल है, इस साइकिल को हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। आप लोग अगर इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत मजा भी आएगा पढ़ने में। तो हम लोग देखते हैं रॉक का निर्माण कैसे होता है। ये जो रॉक है, पहले रॉक का वेदरिंग होता है, यानी जैसे बड़े बड़े ये जैसे ये बड़ा बड़ा चट्टान जैसे हम लोग को दिखा रहे हैं, ये बड़ा चट्टान है। अब बड़े चट्टान में मतलब जैसे हम लोग को छोटे छोटे पत्थर चाहिए या पत्थर चाहिए तो बड़ा चट्टान ही थोड़े ना पत्थर हो जाएगा वो भाई साहब, उसको तो टूटना ही होगा ना, किसी कोई विधि होगा, चाहे कोई भी पैरामीटर्स होंगे जिस अनुसार वो टूटते होंगे, ये खंडित होते होंगे। तो वही पैरामीटर्स जो होते हैं वही वेदरिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये हम आप लोग को एक एक करके इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में शॉर्ट शॉर्ट करके मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ और हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे कि इसके एक एक पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन जैसे हम लोग कोई सामान होता है, कोई भी चीज होता है, हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। दूसरे स्थान ले जाने में और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं तो वही ट्रांसपोर्टेशन होता है। यानी किसी के द्वारा एक वस्तु को दूसरे स्थान तक पहुंचाने की विधि ही ट्रांसपोर्टेशन होती है। ट्रांसपोर्टेशन कई तरीके से होता है। रॉक्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन आप ये मत समझिएगा कि हाँ जो मनुष्य ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं। यहाँ पे हमें नेचुरल मतलब यहाँ पे जियोलॉजिकल साइकिल है ना, तो नेचर के अनुसार हमें समझना है। जैसे आप लोग कहीं देखे भी होंगे, कभी घूमने भी गए होंगे कहीं समुद्री इलाके में, चाहे जहां भी गए होंगे, कहीं भी आप लोग देख लीजिएगा अपने आसपास जहां पानी लगा हो उसमें देखिएगा। अगर मैंने जहाँ पथरीले इलाका हो, पहाड़ी इलाका हो आप लोगों के पास, तो वहां चेक कीजिएगा, वहां पे जो पानी होता है ना, तो उस पानी के नीचे आप लोगों को स्टोन दिखेगा। यानी चलिए हरिद्वार आप लोग कभी गए होंगे, हरिद्वार में जो नदी बहती है उस नदी के नीचे देखिएगा मतलब एकदम फ्रेश स्टोन दिखते हैं। तो स्टोन कैसे आए हैं? मनुष्य थोड़ी ना वहां लाकर फेंक गए हैं, वो स्टोन ट्रांसपोर्ट होकर आए हैं, यानी किसी के द्वारा होकर तो आए होंगे ना ट्रांसपोर्ट होकर, तो वही होता है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कभी कभी देखते हैं हम लोग कि बारिश होता है तो पानी तो जमेगा ही, पानी जमेगा तो जो पत्थर छोटे छोटे भी पत्थर होंगे वो पत्थर एक स्थान से बहकर यानी उसके साथ साथ जो पानी जमा होगा तो उसके साथ साथ जमा हुआ पानी का जैसे कहीं भी फ्लो मिला उन लोगों को तो बहते हुए पानी जो है उस पत्थर को तो लेकर अपने साथ जाएगा ही, तो जाकर गिर जाएगा कहीं, उसे कहीं छोड़ आएगा उस पत्थर को। यही ट्रांसपोर्टेशन होता है। डिपोजिशन होता है जैसे पत्थर कहीं छोड़ दिया गया और पत्थर वो मैंने दबने लगा मिट्टी में, तो मिट्टी में पत्थर दबेगा तो फिर से उसी में ढलने लगेगा कि नहीं, मैंने मिट्टी मानी कि
जो पत्थर होता है ना वो डिपोजिट हो गया, मैंने मिट्टी मिल गया है एकदम पूरा दब गया है वो, फिर उसको अपवेल होता है, फिर उसका मतलब एक विधि होता है, उस विधि अपवेल कहते हैं उसे। धीरे धीरे यह डिपोजिशन के बाद धीरे धीरे अपवेल होकर फिर पुनः रॉक का निर्माण होता है, इसी तरह रॉक बनता है। तो आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में मैसेज कीजिएगा, हम आपको अगले वीडियो में वो चीज़ समझाएंगे कि आप लोगों को क्या दिक्कत है। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।